ये सब पुदीना की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी दुकान खोल के दूध गर्म करने की? अरे दूध तो पिताजी गर्म किया करते थे। चुप करो मामा, यहाँ हमारे कचौड़ी की हथेली जल गई है और तुम्हें पिताजी की पड़ी है। पुदीना हम चुप कर दो। तिलाल, पुदीना ने दूध गरम किए होंगे और तुम पुदीना पे गरम हो रहेंगे। अरे पुदीना को क्या पता था कि मिर्चा भाभी आके गरम दूध के बर्तन उठा लेंगी। जलन शांत हुई कि नहीं? नहीं मौसी, बहुत जलन हो रहा है मौसी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मौसी। क्या करें बताओ? अब क्या होगा, मिर्चा भाभी के तो दोनों हाथ जल गए हैं। अब ये तो रस्सा कसी का खेल नहीं खेल पाएंगी। ये खेल जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी हैंगे। ये खेल वो जीते हैंगे, ये खेल हम लोग जीते हैंगे और ये खेल बराबरी पे खत्म हो गया हैंगे। अगर ये खेल हम लोग हार गए तो गुमशुदागंज वाले खेल जीत जाएंगे और आदर्श बाल निकेतन कभी भी दोबारा शुरू नहीं होगा। सब सब बोलो। अरे बिना मिर्चा के कैसे खिलांडस होगा रस्सा कसी का? हाँ, रस्सा कसी प्रतियोगिता की सबसे मजबूत खिलाड़ी मिर्चा भाभी थी और मिर्चा भाभी के होते हमारी जीत पक्की थी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, एक खिलाड़ी के घायल होने से खेल कभी रुकता नहीं, इसलिए खेल हम खेलेंगे और रस्सा कसी का ये मुकाबला हम जीत कर दिखाएंगे। अगर हम हिम्मत हार गए तो समझो खेल हार गए, इसलिए हमें हिम्मत टूटने नहीं देना है और जी जान से लड़कर यह मुकाबला हमें जीत कर दिखाना है। सही बोल रहा है। हमको सब पता है, हम ही ना जीतेंगे। ए बेटा चिक्कू, तुम चिंता नहीं ना करना, हम सब मिलके तुम्हारा स्कूल बंद नहीं ना होने देंगे बाबू। सही कह रही है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। बोलो मेरे साथ, शांति शांति शांति। हेलो, सुस्वागतम, वेलकम, वड़क्कम सभी को। चंपक चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि आ गया है इस खेल प्रतियोगिता का सबसे मनोरंजक रोमांच भरा पल, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है चौथा और अंतिम यानी निर्णायक खेल रस्सा कसी, जिसे जीतना दोनों ही टीमों के लिए निहायत जरूरी है। और इस खेल का रोमांच और सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि लापतागंज की तरफ से दो खिलाड़ी और गुमशुदागंज की तरफ से एक खिलाड़ी दुर्भाग्यवश इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। लापतागंज से बीजी पांडे और मिर्चा देवी, और गुमशुदागंज से चुलबुली पांडे। अरे चुलबुली काहे नहीं आई खेलने को? निकली थी तो हमारे साथ, क्या हो गया? अरे का है ना, उसके माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस चली गई। अबे गुड्डू, बीजी पांडे काहे नहीं आज? अरे निर्णायक खेल होना है। यह हुआ ये कि बीजी भैया रस्सा कसी की तैयारी कर रहे थे, अपने आप को बलवान बनाने के लिए कल रात से ही दूध की बस पिए जा रहे थे, पर खेलने की बारी आई तो पेट खराब हो गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, उत्साह, रोमांच, सस्पेंस अपने चरम पर। मैदान में दोनों टीमें आमने सामने, एक तरफ है गुमशुदागंज के मुखिया रेणु पांडे जी अपनी टीम के साथ, दूसरी तरफ मुकुंदीलाल गुप्ता अपनी जाबाज टीम के साथ। वैसे तो दोस्तों ये खेल 12-12 खिलाड़ियों का होता है, लेकिन हालात फिलहाल जुदा हैं, इसलिए गुमशुदागंज की तरफ से एक खिलाड़ी कम होने की वजह से उनकी तरफ से खेलेंगे सिर्फ 11 खिलाड़ी और लापतागंज के दो खिलाड़ी कम होने की वजह से उनकी तरफ से खेलेंगे सिर्फ 10 खिलाड़ी। जय मुकुंदी जी, भाई तुम्हारा आउट खिलाड़ी बीजी पांडे वो तो पहले से ही आउट हो गया, और अब तुम्हारी वो जबरदस्त खिलाड़ी ये मिर्चा अब ये भी नहीं खेल रही है। क्या हो गया है?
हमका का पता? हम पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा नाम है गुन्नू, समझना ना हमको चुन्नू। अरे हम तो कह रहे हैं बगैर दो खिलाड़ियों के खेलने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही हार मान लो सिंपल। लापताएं वालों, ये रस्सा कसी का मुकाबला है, कोनो कबड्डी नहीं। सबका गर्दा ना झाड़ दिए तो हमारा नाम लपसी यादव टैन। क्या मुकुंदी जी, अरे इसका जवाब है तुम्हारे पास? देखिए मुखिया जी, जीत तब तक जीत नहीं होती जब तक उसे जीत ना लिया जाए, और हार तब तक हार नहीं होती जब तक उसे मान ना लिया जाए। और हमने हार मानी नहीं है और ना ही मानेंगे। हम अपने इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर आपके साथ जीत के लिए खेलेंगे। अब भाई मुकुंदीलाल, खेल की अच्छी भावना के तहत हम तुमसे एक बात कह रहे हैं। भाई खेल के बीच में अगर तुम चाहो तो अपना एक और खिलाड़ी जोड़ सकते हो। वैसे जोड़ने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि मुकाबला तो हम ही जीतने वाले हैं। क्या मुखिया? अरे नहीं, देखिए बातों का नहीं, रस्सा कशी का मुकाबला है, इसलिए खेल खेलिए। हमारी टीम में एक खिलाड़ी कम है तो क्या हुआ, हमारी टीम का एक एक खिलाड़ी आपकी टीम के 10-10 खिलाड़ियों के बराबर का हौसला रखता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खिलाड़ियों में जोश और उत्साह अपने चरम पर, दर्शकों में सस्पेंस बरकरार। मैं दोनों ही टीमों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये बीच की जो सफेद रेखा आप देख रहे हैं, ये खेल की सीमा रेखा है। जिस टीम का जो भी खिलाड़ी इस रेखा को पार करेगा, इस सीमा रेखा पर पैर भी पड़ गया तो वो खेल से आउट माना जाएगा। तो दोनों टीमें खेलने के लिए तैयार है। और आप पप्पू शुक्ला, रस्सा कसी का ये निर्णायक खेल शुरू करने का इशारा करने जा रहे हैं पप्पू शुक्ला जी। और पप्पू अंपायर निर्णायक खेल की शुरुआत करने आ रहे हैं। लापतागंज के खिलाड़ियों ने अपना अपना मोर्चा संभाला पूरे आत्मविश्वास और ताकत के साथ। दूसरी तरफ गुमशुदागंज के खिलाड़ियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जोशो खरोश, उत्साह, रोमांच, रहस्य, बेचैनी, तनाव के बीच रस्साकशी खेल शुरू होने जा रहा है, जिसे जीतने की तमन्ना हर खिलाड़ी के दिल में है। देखना है जोर कितना किस टीम में है। दोनों ही तरफ आमने सामने, एक तरफ 11 खिलाड़ी, दूसरी तरफ 10 खिलाड़ी, देखते हैं किसका पलड़ा भारी पड़ता है। सबसे आगे है चौरसिया, इनको बचना होगा, 1 इंच का फासला बनाया आउट हो सकते हैं। और लापतागंज वालों ने खींचा और ये गुमशुदागंज के खिलाड़ी सीमा रेखा के करीब, मुखिया जी का पैर पड़ने ही वाला है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने पलटवार किया और पीछे खींचा रस्सी को। और ये गुमशुदागंज वालों ने पूरी ताकत से रस्सी को खींचा और ये लापतागंज के चौरसिया का पैर सीमा रेखा पर पड़ने ही वाला और ये पार कर दिया। आउट। इस तरीके से पहला खिलाड़ी लापतागंज का चौरसिया आउट। शुरुआत में ही हार झेलनी पड़ रही है लापतागंज को, बहुत बड़ा नुकसान। पहले ही 10 खिलाड़ी थे, 9 रह गए, दूसरी तरफ 11। गुमशुदागंज में हर्षोल्लास, खुशी की लहर, और ये पप्पू शुक्ला ने खेल आगे बढ़ने का इशारा किया। खेल शुरू।
और ये गुमशुदागंज वालों ने पूरी ताकत से रस्सी को खींचे और ये लापतागंज की चमेली सीमा रेखा के करीब पहुंचने को तैयार। चमेली, चमेली, हाय, हाय, चमेली। जोर से खींचो रे, जोर लगा के, दम लगा के। कहाँ ध्यान है आपका? अरे गिर रही थी बेचारी, हम संभाले हैं, पता नहीं है कहाँ। हमका का पता? पर हमको सब पता है। दूसरी खिलाड़ी लापतागंज की चमेली भी आउट। बहुत बड़ा नुकसान लापतागंज का, दो खिलाड़ी आउट हो चुके, सिर्फ 8 बाकी, एक तरफ 11, एक तरफ 8। और ये पप्पू शुक्ला ने खेल आगे बढ़ने का इशारा किया। शाबाश, ऐसे ही खेलो, जीत जाएंगे। और ये लापतागंज वालों ने पूरी ताकत से रस्सी को पीछे खींचा, सीमा रेखा के करीब पहुंचे मुखिया और ये वहां पे आगे रुक गए। के बावजूद भी विंध्यवासिनी का पैर पड़ा और ये विंध्यवासिनी के साथ ही लगातार 3 खिलाड़ी हैट्रिक। 3 खिलाड़ी लापतागंज के आउट। बहुत बड़ा नुकसान लापतागंज का, गुमशुदागंज में खुशी की उल्लास की लहर। और ये पप्पू शुक्ला ने खेल आगे बढ़ने का इशारा किया। एक तरफ 7-7 को लक्की माना जाता है, देखते हैं कि ये 7-11 पर भारी पड़ते हैं नहीं। गुमशुदागंज ने पूरी ताकत से रस्सी को पीछे खींचा, सीमा रेखा के करीब लापतागंज के गुड्डू और गुड्डू लगे हुए जी जान से पूरी कोशिश कर रहे हैं सीमा रेखा से दूर हटने की और ये पीछे हटने में सफल हुए, कामयाब हुए। लापतागंज ने पूरी ताकत लगाई, गुड्डू पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत से लापतागंज की टीम रस्सी खींची और ये मुखिया जी सीमा रेखा को पार करके आओ। और ये पहला झटका लगा गुमशुदागंज को, मुखिया जी आओ। अरे संभाल लेना भाई, अब उठो। मायूसी की लहर गुमशुदागंज में, साथ ही चौंक गए। 7 खिलाड़ी भारी पड़े 11 खिलाड़ियों पर, अब एक तरफ 10, दूसरी तरफ 7 और लापतागंज की तरफ से सबसे आगे गुड्डू और इधर से है मुखिया। अब मुखिया लापतागंज की टीम सीमा रेखा के करीब सबसे आगे गुड्डू जी जान से कोशिश सीमा रेखा से दूर हटने की पूरी कोशिश की लेकिन गुमशुदागंज ने ताकत से रस्सी खींची और ये सीमा रेखा को पार करके गिर पड़े गुड्डू। तुम पे नाज है, बहुत बढ़िया, चलो चलो जाओ।
चौथा झटका अचानक लगा और लापतागंज में मायूसी की लहर और गुमशदागंज में उत्साह जोशो खरोश भरपूर। इस तरीके से एक तरफ है 10 खिलाड़ी और दूसरी तरफ सिर्फ 6 खिलाड़ी। जाहिर है 10 खिलाड़ी भारी पड़ेंगे, लेकिन किस्मत गाड़ी और खेल की बाजी कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे देखते हैं, पप्पू शुक्ला खेल आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। और ये मुखैन आमने सामने, दो औरतें आमने सामने, औरत औरत को हरा देने में जितने खुश होती है पुरुष नहीं होते। दोनों की ताकत जोर आजमाई चालू है और ये एक झटके से खींच रही है। बच्ची खींचे और मुखैन आओ, क्या करती हो तुम? कहाँ पता, गुमशुदागंज की मुखियाएं भी आउट। इस तरह से 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं गुमशुदागंज के। मायूसी की लहर गुमशुदागंज में, 9 खिलाड़ी एक तरफ और दूसरी तरफ 6 खिलाड़ी बाकी। 6 खिलाड़ी भी भारी पड़ रहे हैं। लापतागंज में हर्षोल्लास जोश की पराकाष्ठा और गेम आगे बढ़ रहा है। पप्पू शुक्ला ने इशारा किया खेल आगे बढ़ाने का। लापतागंज की बच्ची के सामने है गुमशुदागंज की कुप्पी। देखें इस खेल का क्या अंजाम होता है। बच्चे ने मुस्कुरा के देखा कुप्पी को और ये उन्होंने कुछ सोचा और एक हाथ से रस्सी को पकड़ लिया और फिर बड़े प्यार से आत्मविश्वास से एक झटका दिया और कुप्पी सीमा रेखा के पार। इस तरीके से बच्ची ने गुमशुदागंज के 2 खिलाड़ी को आउट किया, मुख्यांज और कुप्पी, और इस तरीके से गुमशुदागंज में 8 खिलाड़ी 3 नुकसान अब तक झेल चुके हैं गुमशुदागंज वाले। मायूसी की लहर गुमशुदागंज में, लापतागंज में खुशी उत्साह जोश की लहर। और वाकई लापतागंज की बच्ची वाजपेयी बहुत ही बढ़िया साबित हुई लापतागंज के लिए। 2 लगातार खिलाड़ी आउट किए गुमशुदागंज के। खेल बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस भरा और पप्पू शुक्ला इशारा कर रहे हैं खेल आगे बढ़ाने का। करीब आकर रुक गए और हाथ छोड़ के कुछ कहने की कोशिश, लेकिन बच्ची आदमी ने झटका दिया और गुल्लू सीधा उनके पैरों पे गिरे और टीमों के 4-4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लगता है कि बच्ची वाजपेयी लापतागंज को जिता कर ही रहेंगी। खेल आगे बढ़ने का इशारा किया पप्पू शुक्ला ने। और अब गुमशुदागंज की तरफ से सबसे आगे खड़े हैं जिमी बच्ची के सामने और बच्ची का आत्मविश्वास चरम पर। सोच रही है जिमी को एक झटके में खींच लेंगी। रस्सा कसी शुरू। दोनों टीमों ने जोर आजमाइश की, ताकत दिखाई गुमशुदागंज वालों ने और रस्सी को पीछे खींचा और लापतागंज की टीम सीमा रेखा के करीब। बच्ची सीमा रेखा पार करके जिमी के ऊपर गिरी। बच्ची आओ, सबसे धुरंधर खिलाड़ी लापतागंज की आउट हो चुकी हैं और इसी के साथ लापतागंज में मायूसी की लहर। सवाल कि क्या लापतागंज जीत पाएगा, क्योंकि उनके सबसे धुरंधर खिलाड़ी बच्ची वाजपेयी आउट हो चुकी हैं। गुमशुदागंज में हर्षोल्लास और उत्साह जोश की लहर और लापतागंज एक बार फिर डेंजर जोन।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.